हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप कोड जनरेट कर सकते हैं खुद से। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नेम ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आपको कैसे पता है कि आपको किस ग्रुप में ऐड होना है? तो सबसे पहले चलिए बता देता हूँ कैसे आपको लेना है। सबसे पहले आपको NRLM की वेबसाइट पर जानी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो ग्रुप दिख रही है इस ग्रुप में आपको आ जानी है। देख सकते हैं कि मैंने अपने आसपास से ग्रुप का यहाँ पर नाम निकाल कर रखी है, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं मैंने बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद आने के बाद आपको यहाँ पर जो भी ग्रुप आपको पसंद लगता है, जो भी अपने आसपास का है, उस ग्रुप को कॉपी कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब इस ग्रुप को कॉपी कर लिया, उसके बाद मैं अपने जिस पेज पे था उस पेज पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस ग्रुप को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, क्योंकि मुझे इसी ग्रुप में शामिल होना है। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट अलाउड, क्योंकि आपको यहाँ पर नहीं मिला कुछ नहीं है, तो ये सब आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑथोराइज नेम करना है। आप यहाँ पर जो नाम दे रहे ना, किसी लेडीज़ का नाम देना है। अगर आपका जेंट्स का नाम डाल दोगे तो यहाँ सबका डिसअप्रूवल हो जाता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने भी होते हैं सब महिलाएं होती हैं, और महिला में अगर कोई जेंट्स चला जाएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से वो छट जाता है। इसलिए आपको किसी यहाँ पर लेडीज़ का नाम दे देनी है। उसके बाद जिस लेडीज़ का नाम दोगे वहाँ पर उसका कुछ डिजिग्नेशन, कुछ अगर उसका ई है तो चा है तो आपको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जिसका भी नाम दे रहे हैं उसका यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद ऑथराइज का, जिसका इस जो लेडीज़ का है उसका आपको पिन नंबर डाल देनी है। उसके बाद आपको आता है स्पॉन्सर एजेंसी। आप किससे एजेंसी से जो ग्रुप जो जुड़ा है आपको पता करना चाहिए कि उस कौन से ग्रुप से जुड़ी हुई है, KBCI से या KBI या DI या फिर KBC बोर्ड, जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि किस ग्रुप से वो जुड़ा हुआ, किस स्पॉन्सर एजेंसी है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, और उसका स्टेट कौन सा है उस ग्रुप का, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि डिस्ट्रिक्ट उसका कौन सा पड़ता है। इतना करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये ग्रुप वगैरह ये सब डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जेंडर, जेंडर क्या है, तो जेंडर से फीमेल, ठीक है, क्या कि ओनली फॉर ओमेल है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर बैकवर्ड ऑर्डर से क्या है, तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी एनी, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हाई बॉर्डर रीजन ये सब कुछ, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस एड्रेस, जो भी उसका ऑफिस का एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर क्या है, ठीक है, इतना डाल देनी है, ये वाला एड्रेस वन। उसके बाद ब्लॉक नंबर डाल देनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्स ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपका ब्लॉक का है पिन कोड यहाँ पर डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पर जो आती है ऑथोराइज, जिसका आप बना रहे हैं उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टेलीफोन नंबर अगर है तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है ऑफिस मेल, मेल का नंबर क्या है डाल देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो एक बैंक अकाउंट होता है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देनी है। इसों का पता करने के लिए सबसे पहले आपको जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई मेंबर से आपको भेंट करना होगा, पता करना होगा, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूरी जाननी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन है, कौन सा बैंक जुड़ा हुआ, तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले बना कर रखी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको नीचे आना है, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिविटी क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी है, ठीक है ना। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है, जहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा ये कैटेगरी में है, सेल्फ स्टोन या माइल स्टोन या क्रस स्टोन, ठीक है ना। तो किसी आपको एक को सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देना है इंडस्ट्री का नाम दे देनी है, ट्रेडिंग अगर नहीं है तो देखो मैंने नहीं है तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आपका पास देखा ट्रेनिंग ये सब, तो कुछ है ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है टोटल ये प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरा कुछ नहीं है तो इसको खाली घर का छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल बैंक कुछ नहीं है तो इसको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कौन सा बैंक वो है, तो आप यहाँ से बैंक नंबर दे सकते हैं अपना, तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी बैंक है। उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको आता है यहाँ पर बैंक का जितना भी है IFC कोड आपको यहाँ पर डाल देनी है, नहीं तो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेना है। उसके बाद बैंक का ब्रांच देना है, उसके बाद एड्रेस देना है बैंक का, उसका डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड फाइनेंशियल ब्रांच, सेकंड ब्रांच का जो IFC कोड है उसको आपको डाल देनी है, ठीक है।
और इतना सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको ग्रुप का किसी मेंबर से भेंट करोगे तभी आप सबके बारे में पता लगेगा, नहीं तो आपको किसी से कोई आपको खबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इतना कर लेने के बाद आपके यहाँ पर सेव डाटा पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद ऑटोमेटिक एक नया फॉर्म आएगा जहाँ से आपको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा फोटो। उसके बाद फोटो सबमिट कर देने के बाद आपके सामने आ जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोड्स और रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ से अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपका वहाँ से CSE रजिस्ट्रेशन वहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो CSE रजिस्ट्रेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप कोड के द्वारा। तो ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा, एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर कर देना। तो मिलते हैं इस तरह नॉलेज वाली वीडियो के साथ, तब तक बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। और मुझे धन्यवाद, टेक केयर्स एंड बाय बाय।